हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर हम अच्छे ही होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक हम आपको इस एग्जाम स्पेशल वीडियो की सीरीज में बताने जा रहे हैं, जो न केवल केमिस्ट्री बल्कि आपके फिजिक्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, टॉपिक देख रहे होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअली इस वीडियो में हम आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो सबसे पहले एक बात करेंगे, उसके बाद ही ये फैराडेज भाई की बात होगी। एक शब्द है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट वह सोल्यूशन होता है, वह बिलियन होता है, जिस बिलियन से हो के विद्युत धारा कटकुटुक चलना शुरू कर देता है। मतलब जिस बिलियन से हो के विद्युत धारा चलता है, गुजरता है, उस बिलियन को कहते हैं वैद्युत अपघट। उदाहरण के तौर पे अगर आपने नमक और पानी घोल दिया, भाई साहब एक बाल्टी में नमक पानी डाल करके घोल के उसमें करंट डाल दें, हाँ डाले ना, तो करंट रगड़ देगा। इसका मतलब कि नमक पानी के सोल्यूशन से करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, उसके लिए एकदम सुलभ रास्ता है, वो एकदम मजे में चलता है। लेकिन चीनी पानी के बिलियन में से जो है करंट फ्लो नहीं करता। तो नमक पानी का सोल्यूशन वैद्युत अपघट्य तो हुआ, लेकिन चीनी पानी का सोल्यूशन वैद्युत अपघट्य नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, वैद्युत अपघट्य माने वह बिलियन, वह सोल्यूशन जिससे हो के विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब आते हैं इस टॉपिक पर अपने, माफ करना मेरे भाई, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसे समझने के लिए हमने क्या किया कि कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इसमें हमने कुछ मान लीजिए कि डाल दिया, एक वैद्युत अपघट लिया, यह है वैद्युत अपघट। अब इस वैद्युत अपघट में हमने दो धातु के छड़ डुबाए डाले इसमें। इस धातु के छड़ को दोस्त इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रोड से आप करंट पास कराते हैं, तो होता क्या है कि किसी भी जो ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, इनमें से मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पदार्थ इकट्ठा होने लगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ पदार्थ इकट्ठा होने लगा। तो ये पदार्थ कितना इकट्ठा होगा, इसका संबंध जो है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा से है। मतलब कि किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठा होगा, कितना इकट्ठा होगा इसका संबंध है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा से। और फैराडे ने बड़ा सिंपल सा बात कहा दोस्त, कहा कि ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना तो ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा होगा, और थोड़ा सा प्रवाहित करिएगा तो थोड़ा सा होगा। एकदम सिंपल सा है। तो जब किसी वैद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठे होते हैं। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ कितने इकट्ठे हों इसी से संबंधित है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का फर्स्ट नियम। तो आइए क्या है नियम, मैं लिख देता हूं, रूल मैं लिख देता हूं। जब किसी वैद्युत अपघट अपघट्य, जिसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी वैद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कहाँ पदार्थ मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, इकट्ठी होती है, ये तो बात हो गई। अब पदार्थ की मात्रा कितनी मुक्त हो यह निर्भर करता है कि उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित की गई है। मुक्त पदार्थ की मात्रा, उस वैद्युत अपघट्य में
प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा की मात्रा मतलब आप आवेश कह सकते हैं, आवेश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जरा देखिएगा, अब याद रख, सिंपल सा एकदम, बहुत सिंपल लॉ है दोस्त, कि जब किसी वैद्युत अवघट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ना, तो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ इकट्ठा होगा। इलेक्ट्रोड कितना पदार्थ इकट्ठा होगा तो निर्भर करता है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ पे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होगा, और कम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कम। ये कौन बड़ी बात है और कौन ही अजीब सी बात है। मार्केट में जाओगे, ज्यादा पैसे लेके जाओगे तो ज्यादा सामान लाओगे, कम लेके जाओगे तो कम लाओगे, बिल्कुल यही तो बात है। तो अब जरा देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैथ के टर्म में हमें समझना है, क्योंकि आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो इसको मैथमेटिकली कहते हैं, गणितीय रूप में मैथमेटिकली माना क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एम मात्रा का पदार्थ मुक्त होता है, इकट्ठा होता है, मुक्त होता है। तो भाई आपने क्या कहा कि जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ऐसे करते हैं इसको W लिख देते हैं, वेट हो जाएगा। मुक्त पदार्थ की मात्रा किस पर डिपेंड करता है, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा के, तो इसलिए आप लिख सकते हैं W समानुपाती Q। और अब जानते हैं कि ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट का नाम क्या मैं लिख देता हूं। और फिर आप जानते हैं कि ये जो क्यू है, आपने पढ़ा हुआ है क्यू बराबर होता है I × T, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से W बराबर ZIT। यही जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जहां जेड क्या है, तो यहां लिखेंगे कि जहां जेड इक्वल टू, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैलेंट हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये दोस्त। यहां से आपकी ये पहला जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समाप्त होता है, W बराबर ZIT या M भी लिख सकते हैं, ये T है, जहां W क्या है इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जेड एक समानुपाती नियतांक है जिसको कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई जो है आवेश है, विद्युत धारा है, और टी जो है कितने देर तक आपने प्रवाहित किया वही समय है, ये क्यू बराबर IT होता है ना। बस अब जरा देखिए, यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, वो आएगा कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक से क्या समझते हैं। तो दोस्त उस सवाल के भी जवाब हम चाहते हैं कि इसी छोटे से वीडियो में उसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं। जरा देखिएगा, यही फॉर्मूला है ना, तो जब देखिए जरा, तो टी बराबर 1 सेकेंड और आई बराबर वन एम्पियर, जरा देखिए इसमें टी का मान 1 रखिए और आई का मान 1 लिखिए, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा W बराबर तो जेड हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन दें हम लोग कि जब किसी वैद्युत अवघट से एक एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो जो भी पदार्थ मुक्त होता है इलेक्ट्रोड पर वही मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, चाहे वही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, लिख कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अवघट से, थोड़ा सा परेशानी हो रहा नीचे लिखने में, वैद्युत अवघट से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है,
की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक माने इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। हो गया दोस्त, कितना सिंपल है ना। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। देखो, जब किसी वैद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित, वैद्युत अपघट माने एक तरह का ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा बिलियन जिसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब किसी वैद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होता है। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ कितना मुक्त होगा यह डिपेंड करेगा उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है। विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर कम विद्युत सॉरी ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होगा, विद्युत धारा कम प्रवाहित करेंगे कम होगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा होगा। तो बहराडे भाई इसी के बारे में एक नियम बना दिया, कह करके मर गए। क्या कह गए? तो उन्होंने कहा कि जब किसी वैद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा मतलब आवेश के समानुपाती होता है। और यही बात हमने लिख दिया कि मान लीजिए कि अगर W ग्राम जो है आपकी मात्रा इकट्ठी हो रही है इलेक्ट्रोड पर तो और उसमें विद्युत धारा इसके लिए Q प्रवाहित किया गया है आवेश, तो आपने हो गया W बराबर Q सॉरी W समानुपाती Q, और हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक जेड नियतांक लगाया, समानुपाती नियतांक है। आप बहुत बचपन में छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि Q बराबर IT होता है, हमने लिख दिया W बराबर ZIT, और इसी को कहते हैं फैराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का गणितीय व्यंजक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और हां पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।